हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट स्नेक का नाम बता सकते हैं? चलिए हम आपको एक हिंट भी दे देते हैं, इस स्नेक के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी भी बनाई गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एनाकोंडा स्नेक की बात कर रहे हैं और यही वो स्नेक है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी एनाकोंडा की सीरीज़ भी बनाई गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े स्नेक्स भी क्या कभी हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं? वेल फ्रेंड्स, आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक लगे, लेकिन हमारी अर्थ पर ऐसे या फिर इससे भी ज़्यादा बड़े स्नेक्स पहले एग्जिस्ट करते थे। प्री हिस्टोरिक स्नेक्स का वज़न करीब 500 किलो से 1000 टन तक हो सकता था और उनकी लेंथ करीब 30 फीट से 50 फीट तक हो सकती थी। ऐसे ही बहुत से फॉसिल्स अभी तक हमें मिल भी चुके हैं और इन्हीं फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। इन द ईयर ऑफ 1984 पेलियंटोलॉजिस्ट धनंजय मुहाबे ने हमारे इंडिया के गुजरात स्टेट के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ढोली डुंगरी गांव के एक नदी के किनारे में कुछ फॉसल्स को डिस्कवर किया। इन फॉसल्स में शामिल थे कुछ डायनासोर के एग्स और कुछ और अजीब तरह के कॉइल्ड किए हुए फॉसल्स। मुहाबे ने ये करेंटली आइडेंटिफाइड कर लिया था कि जो एग्स हैं वो एक सॉरोपोड डायनासोर्स के हैं, लेकिन जो फॉसल कॉइल पड़ा हुआ है आखिर वो किसका था? और यही चीज़ क्लियर हुई 17 ईयर्स के बाद, जब मुहाबे 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जेफरी ए विल्सन से मिले। जब विल्सन और मुहाबे ने उस पूरे कॉइल किए हुए फॉसल को वापस से री एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया इस फॉसल में एक बैकबोन भी है जो कि एक स्नेक की बैकबोन जैसी लग रही थी। इससे पहले मुहाबे और विल्सन वापस डिगअप की हुई साइट पर जाते, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उसी स्नेक का एक सेकंड यानी एक डुओ ब्लॉक अर्चाइव किया जो कि उसी ईयर मिल चुका था, लेकिन उसे कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। जब उन दोनों ने मिलकर इन दोनों फॉसल्स को फिर से रीएग्जामिन करके पाया कि ये दोनों फॉसल्स एक ही स्नेक के फॉसल्स हैं और बिल्कुल एक जिग्सॉ पज़ल की तरह उन्होंने उसे वापस जोड़ने का ट्राई किया। ये स्नेक बिल्कुल आज के मॉडर्न डे के पाइथन जैसा लग रहा था, लेकिन इसे पाइथन बुलाना बिल्कुल भी सही नहीं होता क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 60 मिलियन ईयर्स पहले पाइथन जैसी कोई स्पीसीज हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब फॉसल पूरी की पूरी तरह रीबिल्ड किया गया तो उन्होंने पाया ये एक 11 फीट यानी 11 फीट लंबा एक बहुत ही बड़ा स्नेक था जिसने डायनासोर के क्लचेस को पूरी तरह रैप किया हुआ था। बाद में इस स्नेक का नाम दिया गया सेनाजे इंडिगस। विल्सन ने ये सजेस्ट किया कि सेनाजे इंडिगस ज़रूर इन एग्स के क्लचेस के ऊपर कॉइल करके इन क्लचेस को तोड़कर उसके अंदर के कंटेंट को खाने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न मैक्सिकन बोराइन स्नेक्स लॉक्सिमस बाइकोलर करता है। क्योंकि स्नेक्स के पास राइट काइंड के टीथ नहीं होते हैं जिससे वो अपने प्रे को आसानी से चबा सकें, इसीलिए वो पूरे के पूरे अपने शिकार यानी प्रे को रैप कर देते हैं जिससे उसका साइज वो कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर सकें और फिर वो उसे अपना मुंह खोलकर आसानी से सॉलो कर लेते हैं। क्योंकि स्नेक्स और सारे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसलिए उन्हें वार्मर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जितनी ज़्यादा उनकी बॉडी वार्म होगी उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी से वो अपने फूड को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर हम सेनाजे इंडिगस का एक कंपैरिजन करें दुनिया के सबसे बड़े स्नेक जाइगेंटोफिश से जो कि करीब 30 फीट तक लॉन्ग और उसका वज़न 500 केजी तक था, जिसे ढूंढा गया था पेलियंटोलॉजिस्ट चार्ल्स विलियम एंड्रूस के द्वारा इजिप्ट में, जिसका फॉसल्स 1901 में डिस्कवर किया गया था। 2008 तक जाइगेंटोफिश को ही सबसे बड़ा और बिगेस्ट स्नेक माना जाता था वर्ल्ड का, लेकिन ऐसा तब तक नहीं था तब तक 2009 में साउथ अमेरिका कोलंबिया के सेरोजियन कोल माइन में पेलियंटोलॉजिस्ट ने सबसे बड़ा स्नेक डिस्कवर किया।
जिसकी लेंथ करीब 50 फीट तक थी और जिसका वजन आज के सबसे बड़े जाइगेंटोफिश स्नेक जिसका वजन 500 केजी है उससे भी ज़्यादा 1135 टन्स तक हो सकता था। ये स्नेक आज की मॉडर्न डे के स्नेक बुआ जैसा लग रहा था और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि एक टाइटैनिक बोट के जैसा ही लग रहा था, इसलिए इस स्नेक का नाम दिया गया टाइटैनोबुआ। जब करोड़ों सालों पहले हमारी अर्थ से चिक्सलॉप इम्पैक्टर नामक एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था तो उसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गर्म हीट रेडिएशन और फूड चेन के डिस्ट्रक्शन से सारे के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, क्योंकि उस एस्ट्रॉयड के टकराने से काफ़ी ज़्यादा हीट रेडिएशन्स पैदा हुई थी, इसलिए कई सालों तक हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट लेवल पर भी पहुँच गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्नेक्स और सारे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए उसी दौरान स्नेक्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका था, इसलिए उनके साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ। मॉर्गेनिकॉन्डोन भी उसी समय रहते थे और इतने ज़्यादा हीट की वजह से वो ज़मीन के नीचे रहते थे, इसी वजह से वो सर्वाइव भी कर पाए थे। जिस तरह आज के वेनमस डेडलीस्ट स्नेक जैसे किंग कोबरा, ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा, नाइट एडर्स, वाइपर और रेटल स्नेक जो अपने वेनम को यूज़ करते थे जिससे वो अपने शिकार को आराम से मार सकें, उसी तरह हार्मलेस स्नेक्स जिनके पास वेनम नहीं होता है लेकिन उनके पास उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता है, जैसे कि पाइथन, एनाकोंडा और जाइगेंटोफिश, ये स्नेक्स अपने कमाल के बड़े शरीर से अपने शिकार को आसपास से जकड़ लेते थे जिससे वो अपने शिकार का पूरा स्केलेटन डिस्ट्रॉय कर देते थे। उनके ब्रेन में आसानी से ब्लड सप्लाई नहीं पाता था और इसी की वजह से कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो जाती थी। उसी तरह टाइटैनोबुआ भी अपने बड़े शरीर से अपने शिकार को आसपास से पूरी तरह जकड़ लेता था और ऐसे ही वो अपने शिकार के पूरे स्केलेटन को भी डिस्ट्रॉय कर देता था। अभी हम टाइटैनोबुआ के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइटैनोबुआ की डाइट भी जान लेते हैं। इस पीरियड को पेलियोजोइक एपोच पीरियड कहा जाता था। टाइटैनोबुआ खाने में खाता था क्रोकोडाइल्स, लंगफिश, टर्टल्स, बर्ड्स और मैमल्स और यहाँ तक कि अपने से छोटे स्मॉल स्नेक्स को भी। सो 2009 से ही जब टाइटैनोबुआ का फॉसल मिला तो जाइगेंटोफिश को रिकॉर्ड होल्डर से हटा के टाइटैनोबुआ को ये रिकॉर्ड दे दिया गया, जो रिकॉर्ड था दुनिया के सबसे बड़े स्नेक का। सो फ्रेंड्स, टाइटैनोबुआ था आज तक का सबसे बड़ा एक्सटिंक्ट हुआ स्नेक, जो कि आज के ज़माने में तो ये अभी ज़िंदा नहीं है लेकिन काफ़ी करोड़ साल पहले ये भी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। सो फ्रेंड्स, टाइटैनोबुआ तो काफ़ी करोड़ों साल पहले ही हमारी अर्थ से एक्सटेंट हो गया था, लेकिन आज के समय में हो सकता है कि वो वापस से हमारी अर्थ पर एग्जिस्टेंस में आ जाए, क्योंकि हमारी अर्थ पर अभी ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हो सकता है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो टाइटैनोबुआ स्पीसी हमारी अर्थ पर वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाए। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कमाल की इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।